उज्जैन के नरवल थाना क्षेत्र के ग्राम कुमार जपसिया में अतिक्रमण के विरोध में आवाज उठाना किसान को समय भारी पड़ गया, जब अतिक्रमणकर्ताओं ने किसान और उसके बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि घटना के बाद घायल को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उपचार दिया जा रहा है, जहाँ घायल किसान की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। नरवल थाना क्षेत्र के कुमार जवासिया के गांव में ही चौकीदार और उसके परिवार ने अतिक्रमण की शिकायत करने से नाराज होकर किसान पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल ग्राम कुमार जवासिया में गांव के ही चौकीदार ने गांव में स्थित अनिल यादव की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी शिकायत अनिल यादव ने तहसीलदार को की थी, जहाँ मंगलवार को तहसीलदार और पटवारी ने जमीन का मुआयना भी किया था, जिससे नाराज होकर शंकर भैरू, विजय अशोक सहित एक और अन्य साथी और परिवार की महिलाओं ने अनिल यादव और उनके पुत्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते अनिल यादव को काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद नरवल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारा जमीन का विवाद है सर, कल तहसीलदार मैडम, तहसीलदार सर और पटवारी मैडम आए थे शाम को, तो वो चौकीदार है गांव का, उसने वहाँ अतिक्रमण कर रखा हमारी ज़मीन पर, तो उनने हटाने के लिए उसको आवाज़ दे दिया था। तो सुबह इनने हमें दूध निकालने जब हम जाते हैं सुबह 5 बजे, उस समय इनने हमें घेर लिया था, मुझे 2 लेडीज़ ने पकड़ लिया था और शंकर जी करके हैं उनने मुझे पकड़ लिया था, और भैरू जी उनने तरवाल मारी पापा को, और विजय जी है उनने चाकू मारा पाँव पर, और अशोक जी है उनने सब बल्कि मारी है, और मानने मतलब मर्डर के हिसाब से ही सर हुआ है यहाँ पर मानने के लिए। मुझे पकड़ लिया गया था और एक बंदा और था उनके साथ, उसने भी मुझे पकड़ रखा था, मैं पत्थरबाजी नहीं करता तो उनको पूरा जान से ही मार देते।